भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कार्यकाल कई राजनीतिक और विवादों का कारण रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार उन्हीं कहानियों में से एक है। इस कहानी का शंखनाद आजादी के समय ही शुरू हो गई थी, जब धर्म के आधार पर आर्यवत कहे जाने वाला भारत दो टुकड़ों में विभाजित हो गया था, भारत तथा पाकिस्तान। उसी समय पंजाब में सिख बहुल क्षेत्र सिखों के लिए एक अलग सा देश बनाने के लिए सुगबुगाहट सुनाई देने लगी थी, लेकिन 70 का दशक आते आते ये सुगबुगाहट एक अपनी रफ्तार पकड़ लेती है पंजाब के वासियों के साथ। हालांकि शिरोमणि दल ने इस मांग को ज्यादा महत्व नहीं दिया, जिसकी वजह से खालिस्तान समर्थकों की आवाज उठती भी थी तो वह राजनीतिक मुद्दा न होने की वजह से दब जाती थी। फिर शुरू हुआ 80 का दशक। ये वो दौर था जब पंजाब में कट्टरवाद अपनी सोच से काफी आगे जा चुका था और इस कट्टरवाद का अंत हुआ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करके। अस्सी के दशक में पंजाब के राजनीतिक दलों में एक अलग सा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है और राजनीतिक इस अखाड़े में उदय होता है एक कट्टर खालिस्तानी समर्थक जनरल सिंह भिंडरवाले का। जनरल सिंह भिंडरवाला एक उग्रवादी नेता था। वह 80 के दशक में बहुत तेजी से अपना नाम उजागर किया राजनीतिक के अखाड़े में और जल्द ही हरमिंदर साहिब मंदिर परिसर के अंदर खालसा के सांस्कृतिक अधिकारी सीट रूपी तख्त पर अपना अधिकार कर लिया। इस मंदिर परिसर पर भिंडरवाले का अधिकार प्रत्यक्ष रूप से उसके प्रति सिख समुदाय का प्रदर्शन काफी दिलचस्प था, क्योंकि भिंडरवाले का उत्तेजित भाषण सिख समाज के नौजवानों के खून में एक अलग सी लड़ने की शक्ति पैदा कर देता था। यह अपने उत्तेजित भाषण से लड़कों को आतंक के लिए उकसाने लगा। जैसे जैसे पंजाब में भिंडरवाले का प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे पंजाब में अशांति बढ़ती गई और यह अशांति ने कई हिंसक घटनाओं को जन्म दिया, जिससे कि भारत सरकार के साथ तनावपूर्ण हिंसक प्रतिरोध पैदा हो गया। भारत सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता से भिंडरवाले ने मंदिर परिसर में एक जाखिर एकत्र कर लिया अस्त्र शस्त्रों का। पंजाब में तेजी से आतंकवाद पनपता जा रहा था। साल 1984 में भिंडरवाले का जादू पंजाब में तथा पंजाब के लोगों तथा पंजाब के नौजवानों के लिए चरम सीमा पर था। पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी थी। जालंधर, अमृतसर, फरीदकोट और गुरदासपुर में हुई हिंसक घटनाओं ने कई बेकसूरों की जान ले ली। पुलिस को पर्याप्त सबूत न मिलने की वजह से पुलिस भिंडरवाले को गिरफ्तार करने से इकराती थी। घटना और बढ़ती रही, अत्याचार और बढ़ता रहा, भिंडरवाले का रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पटियाला पुलिस के उप महानिदेशक दफ्तर में तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबारा सिंह पर भी हमला हुआ। पंजाब में यह आतंक शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबारा सिंह की सरकार को गिराकर पूरे पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, मगर इसके बावजूद भी पंजाब की स्थिति में कोई सुधार नहीं मिला। साल 1984 में इन हिंसक घटनाओं से 298 लोग मारे गए। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भिंडरवाले पर दबदबा बढ़ने लगा, मगर तब तक स्थिति नियंत्रण से काफी आगे जा चुकी थी तथा दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति पर डटे थे, भिंडरवाले तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और इस स्थिति ने जन्म दिया ऑपरेशन ब्लू स्टार को। एक जून से भारतीय सेना के जवान स्वर्ण मंदिर परिसर में घुसने लगे। वहाँ के लोग, वहाँ के नौजवान गुस्से में थे तथा हवा में फुसफुसाहट भरी बातें पंजाब की उन अशांत गलियों में गूंजने लगी। लोगों को हिंसक झड़प की आशंका थी, लेकिन जो होने वाला था उसका दायरा और पैमाना वहाँ के लोगों के काफी सोच से आगे था। 3 जून को वह काली रात घड़ी अपना समय 10 बजाने वाली थी और 10 बजते ही बिजली और फोन के तार काट दिए गए। पूरे शहर का नजारा अपना ही अलग रूप दिखा रहा था। तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराट, जो स्वयं एक सिख थे, उनके साथ भारतीय जवानों ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। 4 जून की सुबह अपना रंग पूरे पंजाब के लोगों को दिखा रही थी और उधर मंदिर में छिपे आतंकियों तथा भारतीय नौजवानों के साथ लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी, दोनों तरफ के लोग मारे जाने लगे। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के उस परिसर में काफी लंबी समय तक चले इस लड़ाई में जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो भारतीय सैनिकों ने टैंकों का उपयोग किया। टैंकों का उपयोग करते हुए मंदिर के ऊपर हमला कर दिया। मंदिर की सुंदरता बिखर रही थी। इस हमला में भिंडरवाले के सारे आतंकी मारे गए। एक समय के बाद भिंडरवाला भी मारा जाता है। अमृतसर में तैनात स्वर्ण मंदिर खुले आसमान के नीचे अपनी सुंदरता पर नाच कर रहा था। 3 जून को मानो स्वर्ण मंदिर की सारी सुंदरता बिखर गई। अगले दिन स्वर्ण मंदिर के परिसर में
लाशों का एक टीला बन गया और मंदिर के दीवारों पर खून के धब्बे छप गए। भिंडरवाले की कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। एजुकेशन की इस वीडियो में आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।